उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक बड़ी खबर, जहां आपको बताते चलें अखिल भारतीय आह्वान पर देश भर की समस्त ट्रेड यूनियन के साथ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टीम 2 दिवसीय हड़ताल पर रहे। आपको बताते चलें भारत सरकार से मुख्यतः नियमों को मांगों को लेकर देश भर में 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल रहेगी, जिसमें चारों श्रम संहिताओं को रद्द किए जाने को लेकर अभी तक लागू श्रम कानून को खत्म करने की लाई जा रही है। तो वहीं आपको बता दें दवाओं को GST से मुक्त करते सस्ता किया गया। इन मांगों को लेकर दवा प्रतिनिधियों ने हड़ताल की। मुख्यतः संगठन के अध्यक्ष अजय चौधरी, सचिव चंद्र के सैनी, राष्ट्रकारिणी सदस्य संजय नारंग, विपिन कुमार, नंदराम, नागेश पाठक, वीरेंद्र, अर्पित, नितिन भारद्वाज, अश्वनी, अनिल, विशाल, विवेक भटनागर, अंकित शर्मा, ब्रजेश, अतुल, हर्षित चौहान आदि उपस्थित रहे। जी आपका? मेरा नाम संजय नारंग है। मैं फेडरेशन ऑफ मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन में ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी मेंबर हूँ। आज देश भर की तमाम ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर हम लोग भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव 2 दिन की हड़ताल पे जा रहे हैं। पहला दिन आज 28 तारीख है। भारत सरकार की जो श्रम विरोधी कानून लागू करने जा रही है, श्रम संहिताएँ को लागू कर रही है, 4 श्रम संहिताएँ जो कि पिछले सारे श्रम कानूनों को ख़त्म करके लाया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर ये श्रम संहिताएँ लागू हो गई तो हमारे पास परमानेंट नौकरी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मालिकों को सारे अधिकार दे दिए जाएंगे, कटनी छटनी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी देश में बढ़ जाएगी। वैसे ही बेरोजगारी बहुत है, आगे आने वाले समय में नौकरियों पर और संकट आ जाएगा। तो हम लोग इन 4 श्रम संहिताओं को वापस लेने के लिए सरकार से आग्रह कर रहे हैं और ये 2 दिनों की हड़ताल पे जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे तमाम ट्रेड यूनियन शामिल हैं, जिसमें किसान मोर्चा भी है, जिसमें AITCU भी है, CITU के हम मेंबर हैं। तो सारे के सारे लोग आज के लिए हड़ताल पर हैं। बैंक, बीमा, LIC सब आज हड़ताल। 2 दिन की हड़ताल सरकार को चेतावनी है कि उसको अपने कानूनों को रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो आगे आने वाले समय और लंबे आते हैं।